नए पाकिस्तान के साथ नए पंजाब की तैयारी भी शुरू। नई नवेली पंजाब असेंबली के 354 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल ने मेंबर से हल्फ लिया। मखदूम हाशिम जवाब बख्त रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करने वाले पहले रुकन। पीटीआई अरकान की तादाद 175, नून लीग के 162। चेहरों पर मुस्कुराहट, दिल में उमंगे लिए खिलाड़ी पुरअज़्म। नए अरकान असम्बली का जोशो खरोश उरूज पर। इजलास की मजीद कार्रवाई कल 10 बजे तक मुलतवी। नए पंजाब की नए असेंबली में अराकीन की मुनफरद अंदाज में एंट्री। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दोस्त मजारी फूलों के हार पहनकर ऐवान में आए। तारिक मसीह गुल ने दिखाया हल्फ, जंजीर पहनकर भी दिया जाता है। चौधरी परवेज इलाही, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, मियां इस्लाम इकबाल, अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद-उर-रशीद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। नए सियासी सफर की मुसाफिर खवातीन भी पीछे न रहीं। नए पंजाब की असम्बली में पहली बार आने की खुसूसी तैयारियां। काले चश्मे और दीदा जेब मलबूसात नुमाया। खूबसूरत मेकअप करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जूते और पर्स सब कुछ मैचिंग। स्पीकर के लिए पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के इकबाल गुजर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के मलिक वारिस कलू। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कल पंजाब असेंबली में खुफिया राय शुमारी होगी। तमाम उम्मीदवारों ने कागजात असेंबली सेक्रेटरी को जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का आगाज। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर हल्फ उठाया। असेंबली की सीढ़ियों पर लीगी अरकान की नारेबाजी। सैकड़ों निगाहें चौधरी निसार को तलाश करती रहीं, हल्फ उठाने ना आए। बागी मतवाले ज़ईम-क़ादरी की अहलिया उज़्मा ने भी हल्फ ना उठाया। कहती हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में हूं। पीटीआर पर हुकूमत साजी तारी, नून लीग की टफ टाइम देने की तैयारी। हमजा शहबाज का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, लोगों ने शेर को वोट दिया, जीत कोई और गया। साद रफीक बोले ऐसी ऑपोजिशन करेंगे कि इमरान को दिन में तारे नजर आएंगे। माहौल को बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर का इंतखाब हो जाए तो वजीर आला का ऐलान भी हो जाएगा। पीटीआई के नामजद स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, कहा ऐवान में काली नीली और पीली पट्टियां चलती रहती हैं, जिस रंग की मर्जी बांध ले। वर्दी वालों का एहतराम करेंगे और शहरियों का एहतराम करवाएंगे। थानों में थानेदारों का चेक एंड बैलेंस होगा। करप्शन मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। पार्टी में कोई भी वजीर या गवर्नर करप्ट हुआ तो एहतसाब होगा। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फ्लैटीज होटल में तकरीब से खिताब। जमहूरी इदारे इस तरह चलते रहे, इक्तदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से होती रहे। पंजाब के गवर्नर रफीक रिजवाना ने उदय से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं काला कोट और टाई अजीज है, हाई कोर्ट मेरा घर है, अपने घर लौट आया हूँ। नून लीग की क्यादत ने मुझ पर जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। रफीक रिजवाना की गुफ्तगू। गवर्नर हाउस के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात में नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान, इमरान खान खुद करेंगे। तालीम और सेहत तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। तीसरी बार जमहूरी तरीके से इक्तदार की मुंतकली हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान बोले नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करें। आजाद रुकन जुगनू मोहसिन ने भी हल्फ उठाया। अवाम की ख्वाहिश पर हुकूमत बनाने वालों का साथ दूंगी।
जुगनू मौसम की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी अहलिया के हमरा पंजाब असेंबली आए, आप पर इल्जामात लग रहे हैं, सहाफी का नजम सेठी से सवाल, वक्त कहता है इंतजार फरमाइए, नजम सेठी का जवाब। जनूबी पंजाब को सूबा महाज बनाया जाए, नए पंजाब असेंबली में पहली करारदाद जमा, करारदाद तरीके इंसाफ के मोहसिन लगारी की जानिब से जमा करवाई गई। यौम आजादी पर लिबर्टी मार्केट में सरेआम हवाई फायरिंग, डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस, एसपी मॉडल टाउन को मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। डॉल्फिन और पेरो फोर्स सब नाकाम, शहरी लुटने लगे, समनाबाद में गन पॉइंट पर डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार, हरबंसपुरा के इलाके में गाड़ी चोरी की वारदात, लाहौर न्यूज ने वारदातों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। डिफेंस बी के इलाके से घर से चीनी बाशिंदे की लाश बरामद, घर में तीन गैर मुल्की खवातीन भी रिहाइश पसीर थी, हलाकत की वजह सामने नहीं आई, पोस्टमार्टम से हकायक सामने आएंगे, एएसपी डिफेंस बी इकराम। हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात जारी, ख्वाजा बरादरान नैब में पेश न हुए, असेंबली इजलास के बाद साद रफीक पेश न हो सकते, वकील हारिस सुहेल नैब में पेश, साद रफीक को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान। आमदन से ज्यादा असासा जात का केस, लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर नैब में पेश, पंजाब पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस में डीआईजी बाबर वक्त कुरैशी भी नैब में पेश, बाबर वक्त कुरैशी को बतौर साबिक डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट बुलाया गया। आमदन से जायद असासा जात का केस, चौधरी बिरादरान को नैब ने फिर बुला लिया, चौधरी शुजात और परवेज इलाही को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत, एस कार्ड कंपनी केस की तहकीकात का भी दायरा वसी, नैब ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 27 अगस्त को तलब कर लिया। खेल के मैदान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी, नई हुकूमत आते ही पुराने हुकूमती नुमाइंदगान की स्पोर्ट्स बोर्ड से तस्वीर उतार ली गई, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाहर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जहांगीर खान ज़ादा की तस्वीर हटा दी गई। एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी, कप्तान कौमी टीम सरफराज अहमद पुरअज़्म, इमरान खान के वजीर आजम बनने पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी, क्लब क्रिकेट का शुरू होना खुशाइंद है, सरफराज अहमद की गुफ्तगू। दरख्त लगाओ माहौल को सरसब्ज बनाओ, कौमी कमीशन बनाए बैनुल मजाहिब के रहनुमाओं ने आर्च बिशप हाउस में अमन का पौधा लगाया, वकला बरादरी का सेशन कोर्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई, शाहपुर कांजरा की मंडी में बबलू और सांवल के चर्चे, लाड प्यार से पाले जानवरों के मालिकान के भी नखरे, मुंह मांगे कीमत वसूल करने की जिद, खरीदारों से बहस। दिल तो है परिंदा आसमां को मांगे, है उमंग जिंदा कैद तोड़ भागे, काबू है निगाहों में दूर दूर राहों में जाके हमको रहना है, जिंदगी की बाहों में भुलेया भुलेया दिल सारा भुलेया मन मौज तुम्हारा भुलेया बे भुलेया। और लॉलीवुड का ईद पर पाक फजाइया को खराज तहसीन, फिल्म परवाज है जुनून, सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार, फिल्म की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए लाहौर पहुंच गई।